दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं यदि आप एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी मुफ्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यदि आपको एमकॉम में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के बाद कोचिंग पढ़ना है तो मेरा प्रचार जान लीजिए 97-92-46-56-32। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बड़ा अपना प्रचार देते हैं, तो भैया काम हमारा यही है, जिनको बुरा लगे उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ एमकॉम का जो सब्जेक्ट है वो सब कंपलसरी होता है, मैं सब चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है फ़ीस कितनी लगती है, ध्यान देना है जो हमारे पास आज की फ़ीस है 8,405 रुपये में एक साल। एक साल का मतलब होता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को मिला करके फ़ीस कितना लगेगी 8,405। फीस घट भी सकती है, वैसे घटेगी नहीं बढ़ेगी ही, ठीक है ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ध्यान दीजिएगा पहला सब्जेक्ट है ऑर्ग, ध्यान दीजिएगा ऑर्गनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर ये पहला सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। दूसरा सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट, और उसके बाद एक सब्जेक्ट और है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ध्यान दीजिएगा अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, समझिएगा यही चार सब्जेक्ट हैं, चारों के चारों अनिवार्य हैं, ध्यान दीजिएगा चारों के चार आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, इसको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। आपको अब सेकेंड सेमेस्टर बताने जा रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का बोल देते हैं लिख लेना। कहा गया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस इथिक्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को पढ़ना हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर सकते हैं।